माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के करीबी मददगारों में शामिल होने की आशंका से शहर के एक ठेकेदार के मकान पर लखनऊ की एसटीएफ टीम ने छापा मारकर उसके बेटे को हिरासत में लिया है। ऐसी चर्चा है कि ठेकेदार और उसका बेटा चित्रकूट जेल में बंद अवकाश अंसारी को खाने पीने की सामग्री पहुंचाने में मदद कर रहे थे, इसी के कारण छापेमारी की गई है। दरअसल चित्रकूट जेल में बंद रहे विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी निखत की चित्रकूट जेल में अवैध रूप से मुलाकात के दौरान हुई गिरफ्तारी के बहुचर्चित मामले के तार बांदा से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को देर रात बांदा शहर के अलीगंज इलाके में रामा के इमामबाड़े के नजदीक एक मकान में इस घटना की जांच कर रही एसटीएफ टीम ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा और घर से एक युवक को हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उधर देर रात तक इस मकान में पुलिस की घेराबंदी और तलाशी एवं परिवार के सदस्यों से पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। ये मकान ठेकेदार रफी खुशमद उर्फ फुददन का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रफी खुशमद मुख्तार अंसारी के नजदीकी बताए जा रहे हैं। अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत अंसारी से भी उनका परिचय और टेलीफोनिक बातचीत होना बताया गया है। बांदा चित्रकूट पुलिस के अधिकारी इस बारे में कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। रात 8 से 12 4 घंटे तक पूछताछ चली है। छापे के समय रफी खुशमद घर से बाहर था। जानकारी के मुताबिक रफी खुशमद और उनका बेटा जुनैद के खान पान पर नजर रखी जा रही है। हालांकि इस मामले में एक बैंक अधिकारी समेत एक फैक्ट्री मालिक पाइप निर्माता भी जांच की जद में है। फैक्ट्री मालिक के मोबाइल से ऑनलाइन रुपए लेन देन का भी मिलान हो रहा है।